अब जो रामायण है, दशरथ जी, सबसे पहला प्रसंग, दशरथ जी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उनने क्या किया, यज्ञ किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने जादू से खीर प्रकट करके दी कि राजन, ये खीर अगर आप महारानी को खिला दोगे तो उन्हें संतान हो जाएगी, और ऐसे जो भगवान जैसी एकदम प्रभावशाली संतान। आपको पता ही है दशरथ जी के पुत्र कौन थे, श्री राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। उनकी माताओं के नाम कौशल्या और कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रसंग के हनुमान जी थे वो राम जी के भाई थे। कैसे थे? क्योंकि जब उनने वो खीर दी थी तो माँ जो कैकेयी थी, कैकेयी माँ ने बोला हाँ ठीक है अभी मैं खा लूँगी, तो खीर का जो एक दोना था, मतलब ऐसा हलवा टाइप का था, अगर वो इतनी कोई खा लेगा और इतनी कोई खा लेगा तो एक पुत्र हो जाएगा ऐसा। ठीक है, ब्रह्मा जी ने वर दिया। फिर एक कौआ जो होता है वो खीर उठा के ले जाता है, और हनुमान जी की माता अंजनी के घर में वो खीर जो है वो चली जाती है। अब माता अंजनी उसे खा लेती है। अब वो जाए, अब आपके टेबल पर कुछ आके रखे कोई चीज, तो आप उससे खेलने जाओगे कि नहीं खेलोगे? खेलोगे। तो वैसे ही उनकी टेबल पर आई, उनने खाई। ठीक है, तो क्या हुआ, हनुमान जी का जन्म हुआ। अब क्योंकि हनुमान वो, ठीक है, हनुमान जी का जन्म हुआ तो ओके, तो हनुमान जी भी उनके भाई कहलाए। फिर इसके बाद क्या होता है, अब श्री राम को चालना, वो हनुमान जी की भी एक चीज सुनाता हूँ। ठीक है, हनुमान जी ने अब देखा कि भाई सूरज उनको संतरे की तरह लगा। सूरज कैसा होता है, ऑरेंज होता है, संतरे की तरह लगा। उनने खाना चाहा, सूरज ने और सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा मत करिए, और फिर बाद में हनुमान जी को शक्तियाँ मिली जिसके कारण वो श्री राम के भक्त बन पाए और श्री राम जी से उन्हें शक्ति। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, राम जी जो थे अपने गुरुकुल गए। ठीक है, मतलब चांद तक छूना चाहते थे राम जी। अब चांद से बच्चों खिलाते ना, ऐसे चांद वहाँ दिख रहा है, यहाँ पे थाली रख लेंगे, पानी ले आएंगे उसमें, तो चांद यहाँ पे थाली में दिखता है। तो श्री राम चांद से खेल रहे हैं। अब सूर्य देव जो हैं वो श्री राम को देखे जा रहे हैं, चंद्रमा को देखे नहीं दे रहे। तो चंद्रमा बोल रहा है यार प्रभु ये क्या है। तो फिर बोला प्रभु ने कि तुम चिंता मत करो, आज से मेरा नाम जो है उसके आगे तुम्हारा नाम लगेगा, श्री रामचंद्र। ठीक है, तो वो इच्छा चंद्रमा की भगवान ने पूरी की। फिर इसी के साथ प्रभु गुरुकुल गए, गुरुकुल में प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं करी। और इसके बाद लक्ष्मण जी ने बोला भैया यहाँ पर तो माँ की लोरी सुनते रहते हैं हम, लेकिन गुरुकुल में हमें लोरी कौन सुनाएगा? तो राम जी ने बोला मेरे लाडले मैं सुनाऊंगा। फिर आते हैं, अब ऐसे राम जी थे हमारे, उनकी गुरु माँ उनको लोरी गा के सुनाती थी, तो जितने भी वहाँ पे छात्र पढ़ रहे होते थे उन्हें लगता था कि उनकी माँ लोरी गा के सुना रही है। अब आगे दूसरा प्रसंग, श्री राम वापस आते हैं वहाँ से, फिर उनको ले जाते हैं ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि जो रहते हैं वो उन्हें ले जाते हैं सूर्पनखा का वो ताड़का का वध करने के लिए। सूर्पनखा से वध लगेगी, ताड़का का वध करने के लिए। तो ताड़का का प्रभु राम उद्धार करते हैं। उनके बीच में, उस रूट के बीच में जब वो जा रहे होते हैं, उन्हें एक पत्थर मिलता है, शिला, जो कि ऋषि, एक ऋषि से उनकी पत्नी होती है जिनने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम पत्थर के बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। ठीक है, तो पत्थर पे एक वृक्ष बन जाओ। अब पत्थर पे वैसे वृक्ष पॉसिबल नहीं है। राम जी ने कहा, बोला ये कैसे है गुरु जी? तो उनने बोला ये तुम्हारे ही चरणों का इंतजार कर रहे हैं। तो उनने बोला जब श्री राम त्रेता युग में अवतार लेंगे और जब वो तुम्हारे ऊपर चरण रखेंगे अपने, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। ठीक है, तो फिर श्री राम ने उन पर चरण रखे और बाद में क्षमा याचना की कि माता मुझे आपके उद्धार के लिए ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे प्रभु राम। अब आगे आते हैं, राइट, आगे आते हैं हम। फिर क्या होता है कि श्री राम, अब सुमित्रा, माता सुमित्रा, कैकेयी, ठीक है, अब जो कैकेयी होती हैं उनको भड़काने वाली होती हैं, आप नाम बताइए, नाम बताइए, कैकेयी को भड़काने वाली होती हैं, तो
माँ कैकई को भड़काने वाली थी मंत्रा, फिर मंत्रा ने भड़काया उन्हें कि आपने जब देवासुर संग्राम में श्री प्रभु दशरथ की जान जब बचाई थी तो उनने दो बार मांगने को बोला था आपसे, आपने वो दो बार अभी तक नहीं मांगे, तो आप मांगो कि श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का राज। अब जैसे तैसे करके मंत्रा जो है ना मना लेती हैं, लेकिन फिर जब वो दूसरा वचन सुनाती है श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, तो फिर कैकई बोलती हैं नहीं, फिर मंत्रा बोलती हैं अरे फिर भटकते ही मेरे पथ से, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बोलते ना अपन किसी तो ऐसा उन्होंने बोला। फिर कहने लगे नहीं नहीं तू मंत्रा ठीक है। अब फिर दशरथ जी के पास रोना गाना हुआ, दशरथ जी यार कैसे बोलूँ मैं, अब होता है ना आप अपने बच्चे को पाल रहे इतने साल से और आप बोल दो कि तू भग जा इधर से चले, मजाक की बात अलग होती, लेकिन आप 14 वर्ष के लिए उसे जाने को बोल रहे हैं तो अब अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि एक श्राप को सत्य होना था, रावण का संहार होना था, इसीलिए दशरथ जी ने हाँ बोला। और बाद में उन्हें वचन याद आया कि एक श्राप मिला था उन्हें जो आजकल कावड़ लेके जाते हैं, तो कावड़ लेके जाने वाले हैं